संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में रमन साइंस सेंटर की ओर से 18 से 21 मई तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें विविध तरह के पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके संबंध में रमन साइंस सेंटर के संग्रह अध्यक्ष मनोज पांडा ने अधिक जानकारी साझा की है। इस विविध तरह के पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें से पोस्ट कार्ड, डाक टिकटों का संग्रह, प्राचीन वस्तुएं, सिक्के, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, यूनिक स्टैप आभूषण, डिफेंस कवर, मुद्रा, समाचार पत्र, लकड़ी के शिल्प, कार के मॉडल, बोतल कला, सिक्के, झंडे, फोटोग्राफ के साथ ऑटोग्राफ, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की मिट्टी प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी को संजो के रखने वाली अनीता सुधाकर सारदी ने जानकारी साझा करते हुए इन्हें संग्रह कर रखने का उद्देश्य और पुरानी चीजों का उनका अपना महत्व बताया। मैं मनोज कुमार पांडा, संग्रहालय अवरक्षक, रमन विज्ञान केंद्र नागपुर की तरफ से। तो आज आप सभी लोगों को पता होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सारे विश्व में मनाया जा रहा है। तो उस सिलसिले में रमन विज्ञान केंद्र भी बाकी जो संग्रहालय हैं जो कि नागपुर में स्थित है उनसे उनके साथ मिलकर ये दिवस काफ़ी उत्साह के साथ मना रहा है। तो आज 18 मई 2023 को शाम 4 बजे इसका उद्घाटन है, जिसमें हम एक एग्जीबिशन लगाए हैं जो एक संस्था है चंद वैभव। चंद वैभव एक जैसे संस्था है वो कलेक्टर्स का है। जैसे कि हम अलग अलग वस्तुएं संग्रह करके रखते हैं, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई इमेज बॉक्सेस कलेक्ट करते हैं, कोई तो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हम आम आपके जैसे लोग हैं जो कलेक्टर्स हैं उनका एक एग्जीबिशन है। उनके साथ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल म्यूजियम और बाकी जो म्यूजियम्स हैं नागपुर में स्थित है रिपोर्टेड, दे आल्सो कोलाबरेटिंग विद दिस इवेंट में कोलाड कर रहे हैं। तो आप तो एक उसके साथ रमन विज्ञान केंद्र में हम आने वाले दिन में भी हर रोज़ नया नया प्रोग्राम्स भी ये रखा है। जैसे कि आप बोले क्विज कॉम्पिटिशन्स है म्यूजियम का ऊपर क्या है और क्या क्या हमारा जो आइडिया है उसमें आप क्विज के थ्रू में जानकारी पा पाएंगे। और दूसरा बात है जो क्ले मॉडलिंग जो वर्कशॉप है तो इसमें क्या करेंगे, आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन रहेगा, क्लासिक क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं और उसके लिए सेंट्रल म्यूजियम भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो छोटे छोटे सिक्के थे वो कॉइन्स कैसे बनाते हैं, दैट ऑल्सो वो भी एक इंटरेक्टिव इंटरेक्शन रहेगा पब्लिक के साथ। तो काफ़ी उत्साह के साथ हम इस साल ऑर्डिनेटली फ्रॉम आज से अगर शुरू करेंगे 18 से 18, 19, 20 और 21 तक ये प्रोग्राम सिलसिला चलता रहेगा। तो आखिरी में हम ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो संग्रह दिवस का यही उद्देश्य है और बनाने का यही लक्ष्य है कि यह लक्ष्य है कि जो अगर हम कोई भी कम्युनिटी को और सोसाइटी को अगर विकास करना है तो म्यूजियम का संग्रहालय का उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने के पब्लिक जनमानस के साथ अपना भूमिका का क्या भूमिका है उसको हम लोग सब अनुध्यान करने के लिए हम ये संग्रह दिवस मनाते आ रहे हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ था 1977 से और हर साल अलग अलग विषय पर ये प्रोग्राम मनाया जाता है। जैसे कि इस साल का जो विषय है म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, मीन्स संग्रहालय एंड सस्टेन मीन्स हाउ यू कैन सस्टेन म्यूजियम्स है और आपका सब हम सबका भलाई कैसे इंक्लूसन डेवलपमेंट कैसे हो, उस थीम से लेके रमन विज्ञान केंद्र आने वाले 4 दिन में ये दिवस जो संग्रह आयोजन किया है। धन्यवाद। ये जो पुरानी है अभी तक जी अब लगाने का है टेबल, 300 साल पुराने, 100 साल पुराने और अभी 50 साल पुरानी, ऐसी चीज़ें हैं। और बचपन से माटी से प्रेम है। मैं 7 साल की थी जब मैंने पहली बार पंढरपुर से विठ्ठल रखमाई का दर्शन लिया और उसके बाद भीमा और चंद्रभागा नदियों की रेती माती लेके आई और एक पत्थर। उसके बाद पढ़ाई वगैरह हुई, शादी हुई, फिर कन्याकुमारी को जब हम गए
वहाँ से शिव मंदिर के पास से हमने मट्टी लाई और वहाँ से शुरू की। आज मेरे पास 370 जगह की माटी रहती है और इतनी पूरी दुनिया देखो, एक जैसी मट्टी कहीं भी नहीं है और नदिया की रेती भी एक जैसी नहीं है। भगवान से बात करती हूँ मैं कभी कि भगवान ये इतनी बड़ी दुनिया आपने कैसे बनाई। पत्थर भी देखो, जियोलॉजी स्पेसिमेंट, वो पत्थर भी एक जैसे नहीं है। कहीं में हीरा आता है तो कोई अलग कलर आता है और कुछ कुछ अलग ही होता है। यानी इतना सुंदर है निसर्ग बनाया भगवान ने कि कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा भारत महान है और बोलूँ प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान है, भक्तों के भगवान है। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज के साथ में 7 साल से अखी उम्र उनके साथ रही है। गुरुदेव जहाँ भी जाते थे, जब चाइना ने भारत पे आक्रमण किया तब उस 70 साल का एरिया होगा वो, जब तो उस टाइम गांव-गांव में जाके छोटे यानी 9 यानी 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को वो खड़े करते थे कि अपने देश पे आक्रमण हुआ है, तुमको सैन्य बनना है, लड़ाऊ बनना है, ऐसा प्रचार करते थे। और मैं बचपन में उनकी सेवा में चाय बनाना, पानी पिलाना, ये सेवा करती थी। और मेरे मामा जी नारायण राव बोड़खे ये उनके सेक्रेटरी थे, हमारे यहाँ पुलगांव में वो आते थे और प्रचार करते थे। और उनके साथ रह के मैंने ये सब सीख लिया और उन्हीं की कृपा है कि आज मैं यहाँ से ये सब कर रही हूँ। इतना ही कलेक्शन नहीं है मेरा, और भी कलेक्शन है। शेर है ना, शेर के कातरन मेरे पास कम से कम 700 है सेट किए हुए। वैसे क्या बोलते हैं उसको, वो पहाड़ी वगैरह होते हैं ना, किले वगैरह, उस पर भी कातरन है। और पीतल के बर्तन अभी पुराने हो गए तो डाल देते, फेंक देते हैं ना रद्दी वजह से, तो मेरे यहाँ वो भी है। मैंने मेरे ससुर जी के सार वो ज़माने से आज के ज़माने तक पीतल के बर्तन है, अड़कित्ते बोलते हैं ना, सुपारी काटते हैं वो, सुपारी काटने के अड़कित्ते भी मैंने रखे हैं। यानी टोटली मेरे पास 12 टेबल भरेगा इतना कलेक्शन है, ऐसा है। चलो धन्यवाद। और कुछ, मैं अनिता सुधाकर सारडे, नागपुर, स्नेह नगर, वर्धा रोड, नागपुर में रहती हूँ। हाँ।